अक्षय कुमार ने ऐसा क्यों कहा कि प्रियदर्शन जो भी कहें उसे आंख बंद करके फॉलो करो? साउथ के 5 फेमस कॉमेडियन कौन कौन से हैं और 1000 से भी अधिक फिल्मों में काम करने वाला पहला कॉमेडियन कौन सा है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। सुपरस्टार अक्षय कुमार ने एक से बढ़कर एक शानदार कॉमेडी फिल्म दी है और प्रियदर्शन के साथ तो उन्होंने कई बार धमाका किया है, लेकिन प्रियदर्शन इस समय फिल्म हंगामा 2 को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। फिल्म में मिजान जाफरी लीड रोल में नजर आने वाले हैं और उनके साथ ही परेश रावल और शिल्पा शेट्टी भी नजर आएंगी। खबर तो ये भी थी कि मिजान जाफरी ने इस फिल्म को बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही फाइनल कर लिया है, लेकिन अब अक्षय कुमार ने मिजान को एक सलाह दी है जो कि काफी ज्यादा वायरल हुई। दरअसल अक्षय कुमार ने मिजान से कहा कि फिल्म के सेट पर जो कुछ भी होता है वो सिवाय प्रियदर्शन के और किसी को पता नहीं होता, इसीलिए वो जो कुछ भी कहते हैं वो बस करते जाओ। मिजान ने साथ ही साथ ये भी कहा कि कॉमेडी काफी कठिन आर्ट है। क्या आप जानते हैं कि अक्षय कुमार ने प्रियदर्शन से ही कॉमेडी सीखी है? जी हाँ, अक्षय और प्रियदर्शन का काफी स्पेशल कनेक्शन है। तो अब अगर अक्षय कुमार की बात छिड़ ही गई है तो इन दिनों तो अक्षय कुमार अपनी फिल्म सूर्यवंशी को लेकर काफी ज्यादा बिजी हैं। फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर भी रिलीज किया जा चुका है जिसमें अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ लीड रोल में नजर आ रही है और साथ ही साथ अजय देवगन, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार की पुलिस के अवतार में जुगलबंदी भी काफी जम रही है। तो दोस्तों, जिस तरह सिनेमा में एक विलन हीरोइन को परेशान कर कहानी में नया मोड़ लाता है, उसी तरह कॉमेडियन भी कहानी में अपने किरदार से दर्शकों को हंसाने का काम करता है। जी हाँ, बॉलीवुड के कॉमेडियन के बारे में तो आप खूब जानते होंगे, जिनमें जॉनी लीवर, कादर खान, गोविंदा, राजू श्रीवास्तव, शक्ति कपूर, संजय मिश्रा और खुद अक्षय कुमार भी बॉलीवुड को बेहतरीन से बेहतरीन कॉमेडी फिल्में दे चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे साउथ इंडस्ट्री में फेमस कॉमेडियंस की, जिसमें पहला नाम आता है कॉमेडियन अली का। ये सिर्फ दक्षिण भारत तक ही सीमित है, उत्तर भारत में हिंदी मूवीज चैनल्स पर आने वाली डब फिल्मों की बदौलत वो कई फैंस के चहेते बन चुके हैं। अली का पूरा नाम मोहम्मद अली बाशा है। अली ने तेलुगु, तमिल और हिंदी में 1000 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। वो पवन कल्याण और पूरी जगन्नाथ की फिल्मों में हमेशा देखे जाते हैं। उन्होंने 2 फिल्म फेयर पुरस्कार और 2 नंदी पुरस्कार भी जीते हैं। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है ब्रह्मानंदम। साउथ इंडस्ट्री में एक कॉमेडियन ऐसा भी है जो वहाँ के लीड स्टार्स को भी मात देता है। हर दूसरी फिल्म में इस कॉमेडियन की झलक आपको देखने को मिल जाएगी। उनका नाम है ब्रह्मानंदम। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ब्रह्मानंदम ने इतनी ज्यादा हिट कॉमेडी फिल्में दी हैं कि उन्हें वहाँ का कॉमेडी किंग कहा जाता है। बतौर टीचर अपने करियर की शुरुआत करने वाले कॉमेडी सुपरस्टार ब्रह्मानंदम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। ब्रह्मानंदम अपने 2 दशकों से भी ज्यादा लंबे करियर में 1000 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। वहीं इस लिस्ट में अगला नाम है वडिवेलु। वडिवेलु साउथ के जाने माने कॉमेडियन हैं। उन्होंने कई तमिल फिल्मों में अभिनय किया है और अपनी अलग तरह की कॉमेडी के लिए वो अक्सर जाने जाते हैं। उन्होंने 260 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। कॉमेडी का उनका अंदाज काफी ज्यादा निराला है और यकीनन आप कभी बोर नहीं हो सकते। अगला नाम है करुणास। करुणास तमिल फिल्मों के पॉपुलर कॉमेडियन हैं। वो तमिल की कई फिल्मों में बतौर लीड एक्टर भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा वो एक अच्छे सिंगर और म्यूजिशियन भी है। उनका पूरा नाम करुणानिधि सेतु है। करुणास के स्टाइल भी औरों से काफी जुदा है जो लोगों को खूब लुभाते हैं। वहीं इस लिस्ट में अगला नाम है रघु बाबू का। रघु बाबू तेलुगु फिल्मों का जाना पहचाना नाम है। वो अपने कॉमिक टाइमिंग के लिए अक्सर जाने जाते हैं। रघु बाबू को तेलुगु फिल्मों के लिए नंदी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन सा है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।